प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का असर एशिया के ऊपर और खास करके हमारे देश के ऊपर क्या हो रहा है और कितना ज्यादा नुकसान हमें इसके कारण झेलना पड़ रहा है। अगर अभी की हम बात करें तो 1980 से लेकर के 1981 से 2010 का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे भी 1.39 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी एवरेज से ज़्यादा एशिया में और ख़ास करके भारत में पिछले साल। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उससे जो क्लाइमेट डिज़ास्टर हो रहा है, यानी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बाढ़, सूखा, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं जो ज़्यादा बढ़ रही हैं और जो तूफान आ रहे हैं वो ज़्यादा सशक्त होते जा रहे हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और पिछले साल अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात देखें तो भारत को $87 बिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि जब इस तरह की नेचुरल कैलामिटी आती है तो जो जान और माल की हानि होती है वो इतना ज़्यादा एस्टिमेट हमें मतलब कि एशिया में दूसरे नंबर पर भारत आता है और सबसे ज़्यादा नुकसान $238 बिलियन का चाइना को देखने को मिला है। अगर हम बात करें यानी कि किस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं और क्या क्या जो डिज़ास्टर हो रहे हैं, अगर साइक्लोन अम्फन की बात करें जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था मई 2020 में, उस समय कम से कम 24 लाख भारतीयों को विस्थापित होना पड़ा था और 25 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा था। और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है जैसे कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, बादल फटना, सूखा और बाढ़, ये जो आपदाएं आती हैं इनसे सबसे ज़्यादा जूझना पड़ता है जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी तरह से अगर अभी जो एस्टिमेट है जो अभी ग्लासगो में अगले हफ्ते सुमित होने वाली है, यानी कि इसके लिए जो कई देश मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, तो उसका एस्टिमेट ये है कि अगले ये यानी कि पूरे सदी में, इस सदी के अंत तक पूरे ग्लोब का टेम्परेचर 2.7 डिग्री बढ़ सकता है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि केवल ये 2 डिग्री तक ही सीमित रह जाए, क्योंकि जब इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ते हैं, तो अगर हम बात करें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, इसमें जो एक्सट्रीम रेनफॉल की घटनाएं बढ़ी हैं वो पिछले दशक में हम कह सकते हैं कि 200% 2005 के बाद पिछले 16 सालों में 200% का इसमें इजाफा हुआ है, यानी कि वृद्धि हुई है, इतना ज़्यादा नुकसान होता है। और इस बार आपने देखा था कि जैसे राजस्थान, गुजरात और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात थे और कभी कभी इस इलाके में बाढ़ हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा वो जो प्रभावित होते हैं राज्य वो होते हैं असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर हम जो तूफानों की बात करें तो तूफान से जो ईस्ट कोस्ट है यानी कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रभावित होते हैं, हालांकि पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव साइक्लोन का नहीं पड़ता और उसका प्रभाव ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर पड़ता है। और इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो समुद्री सतह के तापमान एशिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खास करके इंडियन ओशन में, और अरब सागर भी अब धीरे धीरे ज़्यादा गर्म हो रहा है, यानी कि इसके सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जब समुद्री सतह के तापमान बढ़ने लग जाते हैं तो जो तूफान है वो और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, क्योंकि जो एयर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसमें मॉइस्चर यानी कि नमी कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और बादल बहुत ज़्यादा ऊंचे उठते हैं और जो तूफान है बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, जैसे कि ताऊते के रूप में हमने देखा था और अम्फन ने जो तबाही मचाई थी वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसका एक और उदाहरण दिया देखा जा सकता है कि एक सिटी है जो इसमें वैंक्योस करके सिटी है जो आर्कटिक सर्कल में रशिया में पड़ता है, उसमें 38 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया, जो आर्कटिक सर्कल में पहली बार इतना ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर ग्लेशियर पिघलने लगे इसी उनकी रफ्तार और ज़्यादा हुई पिघलने की, तो समुद्री सतह के जो
वो समुद्री सतह जो है वो बढ़ जाएगी, और जो निचले इलाके हैं जैसे बांग्लादेश के जो निचले इलाके हैं, ये इलाके और कई जो छोटे द्वीप हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और करोड़ों की जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। तो इस समय जो जरूरत है वो ये है कि सारे देश, खास करके डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वो सब मिल करके कार्बन उत्सर्जन को कम करें और जो ग्रीन कवर है यानी कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, जिससे कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिवर्स किया जा सके। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।